राज्य में लगाई गई निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन करने के लिए नागपुर पुलिस ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। शनिवार रात से किसी भी तरह के आयोजनों को चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने शुक्रवार की रात से ही निषेधाज्ञा की घोषणा कर दी है। घोषणा का सर्वाधिक असर क्रिसमस और नववर्ष के आयोजनों पर होने वाला है। पुलिस ने शनिवार को शहर में होने वाले कुछ आयोजनों को अनुमति दी थी। राज्य सरकार ने ताजा निषेधाज्ञा आदेश के बाद इन सभी मंजूरियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। सभी आयोजकों को इसकी सूचना भी दी जा रही है। इसके चलते अगले आदेश तक रात 9 से सुबह 6 बजे के दौरान किसी भी तरह के आयोजन नहीं चलने दिए जाएंगे। नियमावली के बारे में बताते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने साफ किया कि शहर के सभी दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट और ऑफिस रात 9 बजे तक बंद होनी चाहिए। जो ये नाइट कर्फ्यू आज से लगाई गई है, इसमें रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज़्यादा लोगों की जमाव पे बंदी लगाई गई है। सभी प्रकार के जो होटल एस्टैब्लिशमेंट्स, मॉल्स इत्यादि जो भी हैं, ये रात को 9 बजे के पहले बंद होने होंगे। उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू रह सकता है। लोग अनावश्यक बाहर नहीं निकलें और क्रिसमस और न्यू ईयर के जो भी पार्टीज़ की परमिशन दी गई थी वो सभी की जो टाइम पहले 12 बजे तक थी वो कल के गाइडलाइंस आने के बाद सभी की टाइम रात को 9 बजे तक रहेगी। 9 बजे तक भी जो भी आयोजन होगा, जो गाइडलाइंस में दिए गए हैं कि 50% कैपेसिटी के अंतर्गत होना चाहिए या जो टाइम लिमिट्स, जो नंबर ऑफ अटेंडीज की जो लिमिट्स दी गई है, वो सभी को पालन करना होगा। एकंदरित कोविड की जो बढ़ती हुई प्रमाण है शहर में और राज्य में और दूसरे जगह पे, उसको ध्यान में रखते हुए निर्बंध लोगों को पालन करना आवश्यक रहेगा और उसके लिए पुलिस यंत्रणा इन्फोर्स करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।